जी आज फाइनल डे है जी चूलिस्तान का, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज अच्छा परफॉर्म करें। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, तो हर रेसर की ख्वाहिश होती है कि यहाँ पार्टिसिपेट करे और अच्छी परफॉर्मेंस दे और अपने मुल्क के इमेज को और अपने मुल्क के इन सहराओं को हम पूरी दुनिया को दिखा सकें। थैंक यू, मुझे अभी कॉल हो गई है सर, प्लीज थैंक यू। आज आप देख रहे हैं सलमान खान 16 TDCP चोलिस्तान रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। और इस बार ट्रैक जो है वो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हमें स्टॉक कैटेगरी के साथ फुल ट्रैक दिया गया है, वैसे तो वुमेन कैटेगरी को हाफ ट्रैक दिया जाता है। अपनी पूरी कोशिश करूँगी, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाऊँ, 6 दिन से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेट्स सी। थैंक यू। जो ट्रैक आई गेस थोड़ा चेंज तो हुआ होगा, बस देखते हैं, अल्लाह मालिक है भाई। ट्रैक टफ है, टफ तो नहीं है, मतलब खुद ज्यादा गया है तो हमें जरा सेंसिबली रेस करना पड़ेगा। एक और दे दी है तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माय बेस्ट। गाड़ी में मेरे नेविगेटर, मेरे को ड्राइवर, ट्रैक, इंशाल्लाह ताला कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, आपकी दुआ चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। मुकाबला सख्त है और ट्रैक छोटा है क्योंकि पीर साहब से मेरा 4 मिनट का फर्क है, तो कोशिश करेंगे अल्लाह के हाथ में, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, बस यही हमारी दुआ है, सब खैर अमान से वापस आए। सर आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो बैठ गया था उसका क्या हुआ? ठीक कराया है, अभी ठीक कराया। ट्रैक के बारे में आज क्या कहेंगे? बहुत तकड़ा ट्रैक है, टेक्निकल ट्रैक है ये, एंड में इंशाल्लाह। ओके जी, आज क्या समझते हैं कि आप जीत लेंगे? अल्लाह पे रखा हुआ है, कोशिश तो करेंगे, सब कोशिश करते हैं यहाँ पे जीतने के लिए, जो अल्लाह को मंजूर वही होएगा। सर एज ए टूरिज्म आप आवाम के लिए कोई मैसेज छोड़ेंगे कि यहाँ पे आने के लिए इस दफा फुटफॉल अच्छा है, काफी बेहतर है वो फ्यूचर जो है? और 104 और इसमें ये सारी चीज़ें वैसे तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का इवेंट है, लेकिन अब जो हो गया वो सो हो गया, आप सबके सामने आप सीखने बैठे हैं और इसी के साथ हमें गेम प्ले करनी पड़ेगी। मैं अनवर कमान बरकी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म खैबर पख्तूनख्वा। हम कल आए हैं, हमें तो ट्रैक भी बहुत अच्छा लग गया है और इंतजाम भी काफ़ी अच्छे हैं, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए लेट्स सी क्या होता है आज का दिन, कैसे गुजरता है। थैंक यू। ट्रैक बहुत अच्छा है, वही 16 मतलब ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है कि स्पेशली ये बनाता, ये जो कुदरतन है उसी को उस पानी छोड़ के उसको हार्ड किया जाता है, उसी तरीके को अपनाया गया। कोई लेवल में कमी नहीं आई, एनर्जी लेवल बहुत हाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि टेरेन जो है वो चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट और हम लोग अपना पूरा फुल फ्लेज देंगे इंशाल्लाह। देख रहे हैं भरपूर थ्रिल है। ट्रैक काफ़ी टफ है और प्रीपेड की रेस के बाद तो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हो चुका है, तो कोशिश हमारी यही है कि हम बाकी रेसेस को भी टफ टाइम दें, बाकी अल्लाह खैर करे। और फ्यूचर में क्या प्लान है, जीतने का इरादा है और आपको आज मुकाबला है? जी इंशाल्लाह
अभी तो ये फर्स्ट टाइम है, तो कोशिश तो यही है कि हम अभी भी टफ टाइम दें बाकी रेसेस को, लेकिन इंशाल्लाह आगे के लिए हम और बेहतर जो है प्रैक्टिस और तैयारी के साथ आएंगे।